खबर केदारनाथ से आ रही है, जहां केदारनाथ सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा के दौरान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चलाए गए बचाव अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में लिंचोली, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में आई प्राकृतिक आपदा में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों के लिए तीर्थ पुरोहितों ने उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के तुरंत बाद 1 अगस्त को मुख्यमंत्री ने केदारनाथ क्षेत्र का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने बुधवार से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। उन्होंने वाहनों से दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 25% छूट दिए जाने की घोषणा की। जब ये 31 तारीख को लिंचोली, भीमबली और गौरीकुंड सोनप्रयाग में ये आपदा आई, तो उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जो श्री केदारनाथ धाम का हवाई दौरा किया और अपना सोनप्रयाग, लिंचोली वगैरह दौरा किया, उस पर बहुत ही तत्परता से, ऐसा रेस्क्यू शायद से पहली बार हुआ है और उनका पूरा रेस्क्यू सफल रहा। और आज सीएम साहब का सोनप्रयाग फिर दौरा था तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया जल्द 10 से 15 दिन में वो पैदल रास्ता भी खोलेंगे और यात्रा फिर सुचारू होगी और हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हेलीकॉप्टर द्वारा यात्री अभी दर्शन के लिए जा पाएंगे और उनको किराए में 25% की छूट भी होगी। लेकिन इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से जो काम दिखाया, प्रशासन शासन NDRF SDRF ने जो काम दिखाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी रखी है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है क्षेत्र, उनको मुआवजे की भी जल्द आप घोषणा की दीजिएगा।